हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज का वीडियो सवाल के जवाब में है। सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम टेबल बनाते हैं तो उसके रो की जो हाइट होती है उसको कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। अब अगर आपको पूरे टेबल में जितने रो हैं सबकी हाइट करनी, मतलब कम या ज़्यादा करनी है, तो आपको पूरे रो को सेलेक्ट करना होगा। अगर किसी खास रो को कम या ज़्यादा करना है तो उसको सेलेक्ट करिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस टेबल में जितने भी रो हैं सबकी हाइट हम ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन आपको मिलता है, ये प्लस साइन दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बीच में कहीं पर भी अपना कर्सर ले जा करके राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको टेबल प्रॉपर्टीज का ये देखिए ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज का ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको रो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे साइज देखिए, रो में साइज स्पेसिफाई हाइट को टिक मार्क कर दीजिए। अब अपनी मतलब जो हाइट है वो आप जैसी रखना चाहें, मान लीजिए कि हम चाहते हैं 1 सेंटीमीटर रखना, ठीक है, तो हमने 1 सेंटीमीटर इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से जैसे ही भी ओके पे, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब सारे रो जितने थे सबकी हाइट जो है वो बढ़ गई।